सेल्फ सदाब फ्रॉम श्री जेमडी बिल्डर्स द्वारका मोड़ उत्तम नगर। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नया फ्लैट लेकर, जिसके बारे में आज मैं आपको और अच्छे से बताने की ट्राई करूंगा। तो फ्रेंड्स आओ, सबसे पहले मैं आपको पार्किंग एरिया बताता हूँ। ये हमारा पार्किंग एरिया, और हमें ये बता दें कि ये हमारा जो फ्लैट है वो एक फिनिशिंग स्टेज पे, मीन्स ऑलमोस्टली डिलीवर होने वाले स्टेज पे है। इस पर आप बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने में, इसमें आपको 3 BHK 2 BHK सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और हम इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो द्वारका मोड़ MS ब्लॉक में सिचुएटेड है, जो कि वेरी नियर टू मेट्रो है। आप बोल सकते हो 500 से 700 किलोमीटर के दूरी पे। तो आओ फ्रेंड्स, मैं आपको पार्किंग, आप देख सकते हो पार्किंग में कितना अच्छा फॉसिलिंग का डिज़ाइन किया हुआ है, पार्किंग में स्पेस कितना है, जैसे कि आप आसानी से 20-25 गाड़ी आराम से प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा जो पार्किंग है वो पूरे 400 गज का प्लॉट है, इसमें पूरी हमने पार्किंग एरिया बनाई है। तो आ जाओ फ्रेंड्स, मैं आपको धीरे धीरे हर चीज़ बताता हूँ। जैसे आप पार्किंग से अंदर निकलोगे, देन आपको यहाँ पर पानी के कनेक्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर आप दिल्ली जल बोर्ड का पानी का कनेक्शन लगाओगे, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर पैसे दिया, और ये आपका लिफ्ट का स्पेस हो गया। आप जैसे लिफ्ट पे आओगे, यहाँ से अपने फ्लैट की तरफ जा सकते हो, और आपका ये स्टेयर्स हो गया। आप देख सकते हो स्टेयर्स की फुट स्टेप कितनी है, 5x5 की स्टेयर्स है, जिसे आप आसानी से फ्लैट की तरफ मूव कर सकते हो। सो वेलकम फ्रेंड्स आपके इस फ्लैट की तरफ। इस फ्लैट की बात करें तो ये हमारा 2 BHK फ्लैट है, जो कि 60 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। आप देख सकते हो इसका कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और इसमें हमने कितनी अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह कर रखी है। आप देख सकते हो हमने इसमें एक ट्रिमंडस टाइप का एक इसमें एडिटिंग वगैरह डिजाइनिंग वगैरह किया, जो कि अदर फ्लैट के मुकाबले बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। आप देख सकते हो सामने में इधर हमने वॉलपेपर का काम कर दिया, देन इसमें हमने यहाँ पर इंटरकॉम लगाया है, आपके यहाँ पर स्विचेस आ गए, देन उसके साथ ही साथ आप ऊपर देख सकते हो कितनी अच्छी फॉल सीलिंग की डिजाइन है, और यहाँ पर आपके झूमर है जो कि ग्रेजुअली चेंज करता है, और इसको आप स्पीकर ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हो, जिससे कि आप अपना म्यूजिक सिस्टम भी रन कर सकते हो। और हमने यहाँ पर ग्लासेस के पार्टीशन छोटे छोटे जगह की एक बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं, और जस्ट जैसे आप इसके सामने आओगे तो आपको हमारे यहाँ पर आपको TV यूनिट्स नजर आ जाएंगे, जहाँ की आप अपना LED यूनिट आप प्लेस कर सकते हो, और अब यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए जहाँ पर आप अपने सामान वगैरह प्लेस कर सकते हो। और जस्ट इसके बाद भी हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस दिया, क्योंकि हमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप वहाँ पर मंदिर का स्पेस दो, ये दो, तो हमने यहाँ पर एक आपको छोटा स्पेस दिया जहाँ पर आप अपना मंदिर प्लेस कर सकते हो, और अच्छे से यहाँ पर अपनी जो भी है मूर्ति वगैरह आप रख सकते हो। और इसी के साथ हमने यहाँ पर आपकी एक बहुत बॉक्सेस में POP के डिजाइनिंग दिए, जो कि आप देख सकते हो ब्राउन और व्हाइट कलर में आपका बहुत ही अच्छा लुक दे रहा, और हमने इस लिविंग रूम में आपका एक स्प्लिट AC का भी ऑप्शन दे रखा है। और फ्रेंड्स आ जाओ, मैं आपको किचन की तरफ ले सकता हूँ। जैसे आप किचन के फ्रंट व्यू पे आपके ये पार्टीशन मिलेंगे, जो देख सकते हो कितने अच्छे पार्टीशन लग रहे हैं, और इसमें लाइट्स भी लगी, और इसमें आप अपने छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हो, और उसके बाद इसको एक अच्छा लुक दे सकते हो। तो आओ फ्रेंड्स मैं आपको किचन के अंदर ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आप आते हो, देन ये हमारा किचन है, किचन में आप जैसे एंटर करते हो तो देखो आपको एक सफिशियंट स्पेस मिल रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हो किचन के ऊपर देखो कितनी अच्छी फॉल सीलिंग की डिजाइन की रखी है हमने, इसमें आपको लाइट्स भी लगा, कोव लाइट्स भी हैं, आपके सीलिंग लाइट भी लगा रखे हैं। उसके बाद आपकी ये जो किचन है फुल्ली मॉडर्न किचन है, हमने यहाँ पर चिमनी का प्रोविजन दिया है, हमने आपको बॉक्सेस का प्रोविजन दिया है, यहाँ पर आपने अपने छोटे छोटे कंटेनर रख सकते हो, देन हमने यहाँ पर यहाँ रखा, देन आप जो भी आपके मसाले वगैरह के डब्बे वहाँ पर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपको कॉर्नर वाले दिया जहाँ के आप जो बड़े कंटेनर है उसको प्लेस कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक और बॉक्स आ गया जिसमें आप यहाँ पर अपना RO प्लेस कर सकते हो। इसमें हमने यहाँ पर स्विचेस भी दे रखे हैं, और आपको यहाँ पर 2 हॉट एंड कोल्ड वाटर का हमने टैप दे रखा है, और ये आपके जो नॉर्मल टंकी का पानी वो आएगा, देन आप देख सकते हो कितना अच्छा। और हमने इस पार्टीशन में एक बॉक्स बना रखा है जिसमें आप इसमें भी अपने कंटेनर्स वगैरह प्लेस कर सकते हो। आप देख सकते हो हमने इसको कितने अच्छे से डिजाइन किया है। सो फ्रेंड्स आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ अब अपने पहले बेडरूम की तरफ। देन बात करें, जैसे ही हम अपने पहले बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं, देन एंटर करते हैं आप देख सकते हो हमने गेट में कितनी अच्छी आपकी डिजाइनिंग कर रखी है, जो कि आपकी वुडन और ग्लास के हमने ब्लॉक्स लगा रखे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सुंदर लुक दे रहे हैं अदर फ्लैट के मुकाबले। और आप जैसे ही बेडरूम में एंटर करते हो, देन बेडरूम का जो साइज है वो नॉर्मली बहुत ही सफिशियंट साइज है, ये 10x12 का रूम साइज है। आप देख सकते हो कि बेडरूम कितना अच्छा है, वॉलपेपर हमने कितना अच्छा प्लेस कर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और आपने सामने हमने LCD पैनल लगाया, LCD पैनल भी आपका देखो कितना, आप 38 इंच 42 इंच का LCD प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आपके फिर वही बॉक्स आ गए, अपने यहाँ पर जो भी चीज़ें वो रख सकते हो, यहाँ पर आप अपने डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हो। साथ ही साथ इस जो ये फ्लैट है हमारा फुल्ली वेंटिलेटेड रूम है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर आपको विंडो का भी ऑप्शन दे दिया, आप यहाँ पर अपना विंडो AC भी प्लेस कर सकते हो, जिससे आपको वेंटिलेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी फॉल्सिलिंग की डिजाइनिंग भी कितनी अच्छी है, जो कि एक बहुत अच्छा लुक दे रही है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूँ, आ जाओ अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। बहुत सारे लोगों की हमारे पास
शिकायतें आती है कि आप वॉशरूम छोटा देते हो, ये देते हो, वो देते हो। वहां जा फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा वॉशरूम दिखाने वाला जिसकी लुक आप देख के हैरान रह जाओगे। ये देखो, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। आप देखो इसकी साइज कितनी अच्छी है। अब इससे बड़ा वॉशरूम 2 BHK फ्लैट में मिलना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। तो आप देखो इस कितना अच्छा इसमें लुक आ रहा है। सफिशियंट स्पेस है, लंबे फ्लैट है, 4x9 का ही हमारा वॉशरूम है। इसमें हमने यहाँ पर WC बैठा दिया, इसमें वेंटिलेशन भी आ गया, यहाँ पर गीजर की फिटिंग है, यहाँ पर आपका शॉवर लगा हुआ है, ये वॉल माउंटेड फ्लैश लगे हुए हैं, ये आपके टैप है, ये आपके बेसिन लगे हुए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा लुक है और सफिशियंट स्पेस है। तो फ्रेंड्स आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। आप जैसे ही मास्टर बेडरूम एंटर करते हो, देन एंटर करते ही देखो आपको कितनी अच्छी लुक और प्रेजेंट आ रहा है। और साथ ही साथ इसमें आपकी वॉलपेपर हमने दे रखी है ब्लू कलर की, जो बहुत ही अच्छा लुक देता है। और साथ में हमने फॉल सीलिंग की डिजाइनिंग देख सकते हो, कितनी अच्छी फॉल सीलिंग की डिजाइनिंग है। और इसमें भी हमने आपको वार्डरोब का प्रोविजन दे रखा है, जहां पर आप अपने सामान वगैरह आराम से प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप बेड भी डालते हो, फिर भी आपके पास स्पेस बचता है कि आप यहाँ पर खड़े होकर अपनी अलमीरा को ओपन कर सकते हो। तो आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फ्लैट में। और सामने इसमें भी हमने विंडो दे रखा है। आप इस रूम को क्रॉस वेंटिलेशन रूम बोल सकते हो। इस फ्लैट में किसी भी वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं। और सामने हमने LED पैनल दे रखा है, जहां पर आपने LED वगैरह प्लेस कर सकते हो। और हमने यहाँ पर व्हाइट कलर का कुशन वर्क किया है, और इसमें अभी काम होना बाकी है। जो वॉलपेपर हमने लगाया वही सेम वॉलपेपर यहाँ पर भी अभी पेस्ट होगा। और इसमें भी हमने बॉक्सेस दे रखे हैं, डेकोरेटिव आइटम आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपने आइटम रख सकते हो। और साथ ही साथ अब मैं ले चलता हूँ आपको अटैच वॉशरूम में। अटैच वॉशरूम जैसे आप एंटर करते हैं, देन इसका भी स्पेस आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। देन यहाँ पर भी हमने WC बैठा रखा है, यहाँ पर हमने आपका इसमें भी वेंटिलेशन आ जाएगा, गीजर की फिटिंग है, आपका यहाँ पर हैंगिंग लाइट बना हुआ है, शॉवर बना हुआ है, देन इधर आपका बेसिन भी बना हुआ है। देन आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक लुक दे रहा है, जो कि आपको एक कंफर्टेबल फील होगा। तो आप इस फ्लैट में आपको वॉशरूम की, बेडरूम की, लिविंग रूम की कोई दिक्कत नहीं है। और इस फ्लैट की जो सबसे अच्छी बात है, ये कॉर्नर टाइप की फ्लैट है, मीन्स इसकी जो बालकनी है वो एक कॉर्नर एल शेप में इसकी बालकनी है। तो आज ऑफर में आपको इसकी बालकनी दिखाता हूँ। जैसे आप बालकनी में एंटर करते हो, देन देखो इसकी जो बालकनी है वो एल शेप में है, जो कि फ्रंट का व्यू आप ले सकते हो। या आपकी मेन 25 फीट की रोड पे और 20 फीट की रोड पे इसकी बालकनी प्लेस आ रही है। आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्लो, यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन का दिया, स्विचेस लगा दिए, देन फ्रंट में आप रोड का व्यू देख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा बालकनी का प्लेस है। आप आराम से अपने सामान को प्लेस कर सकते हो। सो हाँ फ्रेंड्स, लेट्स कम बैक टू बेडरूम। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लैट था 2 BHK फ्लैट में, 2 BHK फ्लैट था 60 स्क्वायर यार्ड में। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आपकी 33 लाख में है। और उसमें आपको और बहुत सारी चीज़ें, आपको हमारा और भी प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, विनायक अपार्टमेंट, अनंता अपार्टमेंट, आप उसमें भी इसी फ्लैट का सेम एग्जैक्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। उसमें भी आपने अपने फ्लैट बुक कर सकते हो। उसकी जो रेट है, इसे आपकी कन्वर्जेबल रेट है, वो अब आपको अच्छे रेट में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो। और थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच।